Sarı. जी एक्चुअली मैं और संजना हनीमून के लिए जा रहे हैं और हमने एक रिजॉर्ट भी बुक किया है, तो बहुत ही एक्साइटेड है मैं और संजना, और उसकी तैयारी चल रही है। और मैं जब वो तैयार हो रही होती है संजना, तो मैं पीछे से आकर उसको हक कर लेता हूँ, उसे किस भी करता हूँ और उसे कहता हूँ कि मैं अपनी बीवी की खूबसूरती को निहार रहा हूँ और तुम्हारे बिना तो मतलब मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा भी नहीं रहूँगा, इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तो यही सीन चल रहा होता है और मैं नीचे चला जाता हूँ, फिर अंजलि आती है और कुछ तो ड्रामा करती है मंगलसूत्र को लेकर। आई थिंक उसने फिर से कुछ ना कुछ किया और शायद उसी ने ही संजना का मंगलसूत्र जो है उसे छुपा दिया था। तो यही देखना है कि अभी अंजलि जो इतने महीनों बाद आई है वो सुधर गई है कि वैसी की वैसी है। लेकिन संजना का ट्रस्ट अभी भी अंजलि पर है बना हुआ, क्योंकि जब से अंजलि आई है वो बहुत पॉजिटिव लग रही है। मुझे भी उस पर ट्रस्ट फिर से आ रहा है और मुझे लगता है कि वो सुधर गई है। लेकिन जो होता है ना कि जो बुरा इंसान होता है आई थिंक वो बुरा ही रहता है, तो इसलिए शायद कोई डाउट्स है सबके मनों में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अंजलि बदल चुकी है। थैंक यू।